नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका कोटी। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। केरल में माँ और बेटे ने एक साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर किया जा रहा मजबूर, वरुण गांधी का ट्वीट वायरल। संसद की तुलना गुजरात जिमखाना से कर केंद्रीय मंत्री के निशाने पर आए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया पलटवार। ड्रग केस में जेल में बंद भाजपा के अकाली नेता विक्रम माजिटिया को मिली हाईकोर्ट से जमानत। कोई नेता अकेले देश के समक्ष मौजूद सभी चुनौतियों से नहीं निपट सकता, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आईटीबीपी महिला दल ने उत्तराखंड सीमा पर तिरंगे के साथ पूरी की 17,000 फीट की गश्त। हैदराबाद में 3 साल की मासूम को पिता ने पीट पीट कर मार डाला। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। इंदौर में बारिश का कहर, कई इलाकों में भरा पानी, कारें भी बही। मध्य प्रदेश का अनोखा चोर, पहले भगवान को किया प्रणाम फिर दान पेटी पर कर लिया हाथ साफ। कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव पर विवाद, मुस्लिम समुदाय का दावा, जमीन वक्फ बोर्ड की हिंदूवादी संगठन बोले सार्वजनिक जगह है। भाजपा के लिए 2024 की राह मुश्किल, बिहार में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए अब 266 सीटों पर मुकाबला कठिन होगा। पंजाब सरकार को बड़ा झटका, सीएम भगवंत मान की खाली कराई जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे, सरकार से जवाब तलबी। गुजरात अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से ऐलान करेंगे अपनी चौथी गारंटी। ग्रीस प्रवासियों से भरी नाव डूबी, लगभग 50 लोग लापता। श्रीलंका देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, जा सकते हैं थाईलैंड। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को दी बधाई। श्रीलंका महिंदा राजपक्षे और बासिल राजपक्षे पर यात्रा प्रतिबंध 5 सितंबर तक बढ़ाया गया। राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव शपथ लेने के लिए। गोरखपुर एमपी एमएलए कोर्ट से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को जमानत, 2015 का है मामला। यूपी स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा दिया। संसदीय समिति ने गोद लेने के कानून से नाजायज बच्चे के शब्द को हटाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता, चाहे वह विवाह से पहले या बाद में पैदा हुआ हो। सुरक्षा विशेषज्ञों ने सरा को किया आगाह, आईएसआईएस का अगला गढ़ हो सकता है अफ्रीका। राजद्रोह संबंधी बयान देने के मामले में इमरान खान का सहयोगी गिरफ्तार। हेलीकॉप्टर हादसे पर सेना ने खिलाफ अभियान को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने जांच का विस्तार किया। इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता। ट्रेन किराए में बुजुर्गों को फिर मिले छूट, सांसदीय समिति ने की सिफारिश। केरल में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, बैंक की महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप। क्रिकेट में फेल, राजनीति में पास, करोड़ों के मालिक और कई घोटालों में गिरे तेजस्वी यादव की कहानी। बहुत ज्यादा बदलवारों पर पहली बार बोले रोहित शर्मा, हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना चाहते हैं। अब शाहिन अफरीदी से डरने की जरूरत नहीं, पाक दिग्गज ने दी टीम इंडिया को सलाह। 36 की उम्र में अपनी इन 4 आदतों के कारण फिट है शिखर धवन, खुद किया खुलासा। खांसी बुखार और उल्टी से बिगड़ी अभिनेत्री संभावना सेठ की हालत, अस्पताल में भर्ती। जब जानवी ने पहली बार बांधी थी अर्जुन कपूर को राखी, एक्ट्रेस बोली बहुत लकी हूँ। विकास गुप्ता संग क्रिकेट रिलेशनशिप में थी प्रतीक्षा बैनर्जी। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।